तो आज हम देखने वाले हैं जोखिनी फिल्म को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है चिन्मय वर्मा ने। इस पूरे फिल्म को आप YouTube पर ही देख सकते हो, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में हम एक नर्तक को देखते हैं जो कि अपना ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म कर रहा था। ये डांस एक भावना है जो आसाम में लोकप्रिय है, जो मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक संदेश को भी आगे पहुंचाता है। लेकिन यहाँ से दूर एक झाड़ियों में हम किसी को इस आदमी के ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि इस नर्तक का नाम मार्नव है। वही दूसरी तरफ हम एक घर में प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं। इसका नाम मलाया है, जो कि मार्नव का पत्नी है। ऐसा लग रहा था कि मलाया को भी कोई बाहर से नजर रख रहा था। कुछ देर बाद घर की लाइट चली जाती है और मलाया एक लैंप जलाकर बाहर आके बैठती है। मलाया इधर काफी दुखी और परेशान लग रही थी। ऐसे में मलाया के घर में काम करने वाली इला उससे उसकी तबीयत पूछती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि मलाया मार्नव की घर न होने की वजह से काफी अकेलापन महसूस कर रही है। अगले सुबह हम देखते हैं कि मार्नव घर वापस आते हैं। वो मलाया को कहता है कि पिछली रात उत्सव में बहुत ही भीड़ थी, तो इसलिए वो कल रात वापस नहीं आ पाया। बातों बातों में मलाया मार्नव से कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें बेटी होने वाली है। मार्नव इस बात पर बहुत ही अपसेट हो जाता है। वो कहता है कि उन्हें बेटा होने वाला है जो आगे चलकर उनका देखभाल करेगा। अब उस रात मलाया नींद से अचानक उठ जाती है और उसे बाहर से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। मलाया बाहर जाती है और किचन में नोटिस करती है कि वहाँ पर बर्तन अपने आप गिर गए थे। उसे वहाँ पर किसी के होने का महसूस हो रहा था, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अगले दिन मार्नव अपने काम में वापस चला जाता है और मलाया को हम घर में अकेली देखते हैं। वो जब अपने घर में रेस्ट करने के लिए जाती है तो उसे बाहर से किसी की पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो मलाया उस आवाज़ को इग्नोर कर देती है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ और भी तेज होने लगती है और मलाया को अपने पेट में काफी दर्द महसूस होने लगता है। उसे किसी की गाने गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर मलाया बहुत ही डर जाती है। उसे अपने सामने इला दिखाई देती है, जिसके बाल काफी लंबे और घने दिखाई दे रहे थे। इसे देखकर मलाया बिल्कुल शॉक में चली जाती है, पर इला बिल्कुल नॉर्मल थी और वो मलाया को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम मार्नव को देखते हैं, जो अपने डांस के लिए तैयार हो रहा था। परफॉर्म करते हुए उसे काफी अजीब महसूस होने लगता है। फिर अचानक से वो डर जाता है जब वो अपने दर्शक के बीच एक डरावनी औरत को देखता है। वो औरत लगातार उसे देख रहा था। आगे हम फिर से रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर मलाया घर में अकेली थी। बाहर आंधी तूफान चल रही थी और इसी बीच हम एक अजीब सी एंटिटी को मलाया के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये दिखने में फीमेल की तरह लग रहा था और उसकी चारों ओर जुगनू उड़ रहे थे। मलाया भी समझ जाती है कि उसके आसपास कोई आत्मा है और ये औरत धीरे धीरे उसके तरफ आगे बढ़ रहा था। मलाया उसे डरते हुए पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसमें वो कहती है कि उसे मलाया के पेट में पल रही बच्ची चाहिए। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये आत्मा एक जोखिनी है जो मलाया से उसका बच्चा लेने आई है। उसकी बात सुनकर मलाया बहुत ही डर जाती है और साफ साफ ना कर देती है, लेकिन जोखिनी उसे कहती है कि उसके पेट में कोई बेटा नहीं बल्कि बेटी पल रही है। जिस दिन मार्नव को पता चलेगा कि उसकी बेटी पैदा हुई है, उसी दिन वो अपने खुद की बेटी को मार डालेगा। मलाया इस बात को बिल्कुल नहीं मानती है। वो कहती है उसकी जो बच्ची पैदा होने वाली है वो उतनी ही मार्नव की होने वाली है जितनी वो उसकी है। लेकिन ये एंटिटी फिर भी नहीं रुकती है। वो कहती है उसने मार्नव के अंदर एक राक्षस को देखा है। इसके बाद वो एंटिटी मलाया को बच्चे देने के लिए बहुत ही जोर करने लगती है, पर मलाया इस बात पर राजी नहीं होती है। आगे हम मार्नव को देखते हैं, जिसे मलाया की पेट में किसी काले साया की हाथ दिखाई देते हैं। मार्नव ये देखकर बहुत ही डर जाता है और तब उसे घर के छत पर एक जोखिनी दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम मलाया को एक तालाब के पास खड़ा हुआ देखते हैं और उसके पीछे वो जोखिनी खड़ा हुआ था। जोखिनी उसे कहती है कि उसकी मार्नव अब उसकी नहीं रहा, क्योंकि वो अब एक शैतान बन गई है जो कि उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए मलाया को अपनी बच्ची को उसे दे देना चाहिए, क्योंकि वो मार्नव से उसे दूर रखेगा। अगले सीन में हम फिर से मार्नव को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जहां उसके ऊपर जोखिनी की नजर थी। परफॉर्म के बीच जोखिनी मार्नव के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जोखिनी का इतिहास दिखाया जाता है। कहा जाता है कि पिछले समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में हमला किया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। इसके बाद उत्तरा ने जोखिनी को जन्म दिया, जिसका काम माओ की कोख को रक्षा करना था। हर सदियों में किसी न किसी अश्वत्थामा की जन्म होता है और जोखिनी हर हाल में उसका सामना करती है। प्रेजेंट टाइम में हम जोखिनी को मलाया के सामने देख पाते हैं और वो मलाया से कहती है कि वक्त बहुत ही कम है, उसे जल्द से जल्द अपना बच्चा जोखिनी के हाथ में सौंप देना चाहिए, वरना बहुत ही बुरा होने वाला है। वो लगातार मलाया को बहुत ही वार्न करती है, कहती है कि मार्नव अब बदल चुका है, उसके अंदर एक शैतान जाग गया है जो कि तुम्हारी बच्ची को निगल जाएगा। मलाया के पेट में अब दर्द होना शुरू हो जाता है और वो जोखिनी को अपना बच्चा देने के लिए इनकार कर देती है। अब तक मार्नव भी घर में वापस आ चुका था और उसे मलाया की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है।
वो फौरन कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर जाता है और वहाँ पर वो मलाया को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। अब कहानी कुछ मंथ आगे दिखाया जाता है, जहाँ पर मलाया और महर्नब एक आम जिंदगी जी रही थी। मलाया अपनी बेटी को जन्म दे चुकी है और वो बिल्कुल ठीक है। आज मलाया कहीं बाहर जा रही थी और जाने से पहले वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी महर्नब और इला के ऊपर दे गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मलाया जाने के बाद महर्नब अपनी बेटी को कुछ अजीब तरीके से देखता है। फिर आगे हम रात का सीन देखते हैं जब मलाया घर में वापस लौटती है। वो देखती है कि उसकी बेटी सो रही है और महर्नब उसके लिए खाना बना रहा है। महर्नब उसे कहता है कि आज वो उसके लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। इसके बाद वो लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अब आधी रात में फिर से मलाया को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाती है और एक जगह पर उसे कुछ पड़ा हुआ दिखाई देती है। वो जब उसे चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो चौंक जाती है। वहाँ पर किसी बच्चे का कटा हुआ अंग पड़ा हुआ था और ये देखते ही मलाया दौड़ के अपने बच्ची को देखने के लिए जाती है। बिस्तर में उसे अपनी बच्ची दिखाई नहीं देती है और वो रोते हुए महर्नब के पास जाती है। लेकिन यहाँ पर महर्नब अपने होश में नहीं था। उसने अपने मुंह पर काला रंग लगा के रखा था और शैतान की तरह हंस रहा था। मलाया उसी हालत में अपने घर से निकल जाती है और तालाब में कूद के अपनी जान दे देती है। अंत में हम उस तालाब की जगह एक नदी को बहता हुआ देखते हैं और एक बूढ़ी औरत दो बच्चों को ये कहानी सुनाती है। वो बच्चे दादी से जोखिनी के बारे में पूछते हैं और वो कहती है कि जोखिनी आज भी हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ पर हम उन्हीं जुगनों को उड़ते हुए देखते हैं जिन्हें हम जोखिनी के आसपास उड़ते हुए देखे थे। और यहाँ पर ही इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।